हे एवरी वन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एज ए टीचर मुझे ही बड़ा अच्छा लगता है जब न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है कवर करने के लिए, और क्योंकि उस दिन सीखने को ही बहुत मिलता है और आप लोगों को सिखाने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। तो आज का सेशन ना कुछ उसी तरीके से होने वाला है। काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट यूजी 2024 का हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। दिस इज़ रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रिपरेशन। ओनली 21,999 का ये कोर्स है। 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, 50+ मॉक्स, एवरीथिंग इज देयर। इसके अलावा क्लैट यूजी 2025 के लिए हमारा विजेता बैच भी चल रहा है। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं तो यू कैन ऑर्डर क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स, दैट इज ऑल्सो ओनली फॉर 5,499। आगे बढ़ेंगे, क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप हमारे इन कोर्सेज की डिटेल भी हमारे एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ का डेमो है, बिना डेमो के कुछ भी मत लेना हमारे यानी किसी के यहाँ भी, क्योंकि आज की डेट में बहुत फ्रॉड और ये सब होता है। तो सबसे पहले डेमो देखो, अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ना, एक आर्टिकल हम देखने वाले हैं, अबॉलिशन इज द वे। लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल देखा था कि जो डेथ पेनल्टी दी जाती है हैंगिंग के थ्रू, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, है ना। उसके बाद आज जो है ना, आज का जो आर्टिकल है इसको उसी के नोट्स में अपने ऐड कर लेना जहां भी आपने किया हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। उस दिन हम बात कर रहे थे कि उस दिन उस केस के अंदर क्या हुआ था। दूसरा आर्टिकल हम देखो देखेंगे कि राहुल गांधी जी को ना डिफेमेशन केस के अंदर 2 साल की सजा मिल गई थी, है ना। तो ये पॉलिटिकल चीज छोड़ के जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसमें लीगल कॉन्सेप्ट और डिफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि डेट पेनल्टी के ऊपर, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर हमारे देश के दो बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस कौन से हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए। पहला है बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, या फिर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1980 के इस केस के अंदर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यह कहा था कि कैपिटल पनिशमेंट देना ना बिल्कुल सही है, आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही देना है। अब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है ये कोर्ट खुद डिसाइड करेगी। नोबडी कैन टेल द कोर्ट कि भाई ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है। इसके बाद देखो एक केस आया था दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1983 का। इसमें यह बोला गया था कि देखो हमारे यहां पे जो हैंगिंग की प्रोसेस है जिसके थ्रू कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट एंड कन्वीनियंट प्रोसेस और सबसे ज्यादा लीस्ट पेनफुल भी है। इसके अलावा जो भी मेथड यूज होते हैं वो आज की डेट में इतने लेस पेनफुल नहीं है। तो डेथ पेनल्टी बाय हैंगिंग इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो अभी हमारा मामला था ना उससे कनेक्ट करते हुए ये केस है। बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन डेथ पेनल्टी के मामले को रिलेट करते हुए कहता है कि भाई बिल्कुल सही है, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस यहां पे कहा गया था। एंड हु विल डिसाइड कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि नहीं है, आपकी कोर्ट डिसाइड करेगी। इसके बाद देखो ऐसा नहीं है कि लॉ कमीशन ने इसके ऊपर कभी कुछ नहीं बोला हुआ है। लॉ कमीशन ने भी अपने 35th रिपोर्ट के अंदर, लॉ कमीशन की 35th रिपोर्ट आई थी 1967 में, फैक्ट है ये याद रखिएगा। इसमें इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक्यूशन या फिर गैस चैम्बर का यूज या फिर लीथल इंजेक्शन, ये कुछ ऐसे वेज हैं जो कि लेस पेनफुल होते हैं हैंगिंग से। लेकिन फिर ये बात वहीं के वहीं रह गई, कुछ इसमें और नई चीज नहीं आई। बट हाँ, लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र जरूर किया था। अभी क्या मामला है, आपको पता होगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो डेथ पेनल्टी दी जाती है हैंगिंग के थ्रू, क्या ये सबसे लीस्ट पेनफुल है, और इस पे एक पैनल बनाने की बात हुई है जो डिसाइड करेगी कि क्या सीन है क्या नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा आर्टिकल ना आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बहुत दिन से सुन रहे होगे ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम क्या है वो है, काफी दिन से ये सब चल रहा था। आज के सेशन में अगर ध्यान लगा लोगे ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम क्या है बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। और ये वन एंड द लास्ट टाइम मैं आपको समझा रहा हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मैं कुछ भी कंटेंट्स रख दूंगा। मेरा ये हमेशा रहता है पर्सपेक्टिव कि अगर मैं आपको कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं ना तो ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे कोर्स के बच्चे उनके लिए अलग आपके लिए अलग। उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सब कुछ आपको बताऊंगा, चाहे जहां से जो भी पूछ लिया जाए। तो आज के सेशन में हम ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है पहले ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, और फिर अभी क्या ड्रामा चल रहा है हमारे देश के अंदर।
सबसे पहले देखो, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं, तो देखिए 2004 से पहले क्या होता था, कहानी ये थी कि कोई मान लो बंदा है जिसका नाम है एक्स, इसकी 50K सैलरी है, इसकी क्या है 50K बेसिक सैलरी है, ये 50K की सैलरी पर रिटायर होता है तो इसका सीधे सीधे 50% इसकी पेंशन आने लग जाएगी, मतलब मिस्टर एक्स की पेंशन हो जाएगी 25,000 रुपए, ये फिक्स है और ये हमेशा आएगी। इसके अंदर मिस्टर एक्स को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना था, मिस्टर एक्स को कुछ पैसे अपने जेब से नहीं देने थे, सरकार इनका बर्डन उठाएगी आफ्टर ही गेट्स रिटायरमेंट। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी। हुआ क्या, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने ना ये ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करते हुए न्यू पेंशन स्कीम ले आए। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों ही ले आए, क्या मतलब क्या रीजन था? देखो एक बात तो साफ है ना कि सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज का भला करके देश का तो इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं हो पाएगी, मतलब ये पूरा का पूरा बर्डन ओल्ड पेंशन स्कीम में कौन उठा रहा था, सरकारें उठा रही थी। और ये सरकार कहाँ से पैसा लाती है भाई, आपका हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा पे हम करते हैं, वो इन लोगों को दिया जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रही थी, और इसके वजह से सरकार को ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये ओल्ड पेंशन स्कीम सही नहीं है। और 2004 के बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताऊं, और एक और चीज है, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ना आपको 2 बार साल में महंगाई भत्ता भी मिलता था, जो ओपीएस है उसमें 50% आपकी जो लास्ट सैलरी होगी प्लस साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी मिलता था। अब क्या हुआ, 2004 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया क्या, न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम क्या था, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर यह था कि वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको पहले कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था अपनी पेंशन के लिए, अब वो 10% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करता रहेगा फॉर हिज पेंशन, और जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम 14% तक कर सकती है। इसके अलावा सरकार इस पैसे को इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डालेगी, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार पैसा रख के अपने पास रख रही है, ये जहां भी पैसा इकट्ठा होगा सरकार इस पैसों को इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डालेगी, और वहां से जो रिटर्न आएगा उसका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां से जो रिटर्न आएगा उसका 60% आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे ही आप रिटायर हो गए। जैसे कि मान लो 1 CR का आपके पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया आफ्टर ऑल द पेंशन, आपने जो मंथली मंथली जो आपने अपना परसेंटेज कटाया, सरकार ने कटाया, सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी, और टोटल आपका सम हो गया 1 करोड़ रुपए का। अब इस 1 करोड़ में से 60 लाख तो आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिल जाएगा, जो बचा हुआ 40 लाख है ना ये आपके पास मंथली मंथली थोड़ा थोड़ा करते हुए आता रहेगा, एज इन केस ऑफ जैसे पेंशन, कुछ कुछ महीने जैसे पेंशन आती ना हर महीने, तो वैसे। तो ये है आपकी न्यू पेंशन स्कीम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉय होता था उसको 1 रुपए का खर्चा नहीं करना होता था, उसको फिक्स अमाउंट 50% उसकी सैलरी का आ जाता था, उसके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यहां पे उसके तरफ से कंट्रीब्यूशन है, उसको अपनी सैलरी का 10% देना है, सरकार भी 14% देगी, और ये पैसा सरकार कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर वहां से जो रिटर्न आएगा, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, जो भी रिटर्न आएगा उस रिटर्न का 60% आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिल जाएगा, बचा हुआ 40% पेंशन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आएगा। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि यहां पे ना आप जब जॉब पे आते थे, जैसे मान लो मिस्टर एक्स का बेटा वाई है, उसकी अभी नौकरी लगती है अंडर न्यू पेंशन स्कीम, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने जब जॉब ज्वाइन करी थी उन्हें पता था कि भाई मेरे को 25,000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं पेंशन, बट वाई को पता नहीं है कि कितने मिलने हैं, क्या पता इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न इतना ना आए तो उसका 1 करोड़ की जगह 50 लाख ही बने, तो 50 लाख का 60% मिल जाएगा, 40% पेंशन की तरह आएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब हुआ क्या, अब हो ये रहा है कि जो बीजेपी की अपोजिंग पार्टीज हैं, मतलब जहां जहां पे मोस्टली कांग्रेस की सरकार है या कोई और सरकार है, तो वो लोग ना एनपीएस को हटा के ओपीएस लाने की बात कर चुके हैं, जैसे कि राजस्थान एक एग्जाम्पल है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, बहुत ही प्रूडेंट इंसान की तरह इस चीज को समझना होगा, इवन माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस, यार एक बात बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनको सिर्फ उनका उद्धार करने के लिए
आप बाकी लोगों को छोड़ रहे हो। कैसे छोड़ रहे हो, एक बात समझना। कुछ पहले मैं आपको ना आंकड़े बताता हूं, फिर आप समझोगे। ये एडिटोरियल आया था कल हिंदू में और आज बिजनेस लाइन में, वहां पे ना ये फैक्ट्स आए कुछ, तो वो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप लोगों को भी जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा। बेसिक मंथली सैलरी ऑफ अ क्लास फोर एम्प्लॉय, क्लास फोर मतलब जो आपकी लोअर पोस्ट होती है सरकार में, उनका सेवेंथ पे कमीशन के बाद जो मिनिमम सैलरी है ना वो 25,000 आ रही है। 25K जो है वो बेसिक मंथली सैलरी है क्लास फोर के एम्प्लॉय की। हम ऊपर वाले की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है, बट हम मेन सैलरी की बात कर रहे हैं कि ये है। इसके बाद कुछ और आंकड़े सुनो। जो गवर्नमेंट है ना, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है काफी सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स निकालती है कि जो आम आदमी, जो प्राइवेट, क्योंकि ये तो जो पेंशन है तो सरकारी लोगों के लिए ना, जो प्राइवेट काम कर रहा है उनका क्या। तो सरकार जो है ना सोशल स्कीम्स निकालती है कि आप पैसा कंट्रीब्यूट करो और उसके बदले में जो है हम आपको बाद में पैसा देंगे। तो उसमें आप देखते क्या हो कि बहुत सारे स्टेट्स में वो जो मिनिमम पेंशन का अमाउंट है ना वो 500 है और कहीं कहीं पे 2000 है। लेकिन आपको पता है कि सरकार का, गवर्नमेंट का मिनिमम पेंशन का अमाउंट ना 9000 है। मतलब 9000 से कम तो आप किसी को पेंशन दे ही नहीं सकते हो। सबसे नीची से नीची पोस्ट जो होगी ना उसमें भी 9000 रुपए देने हैं। बट आप सोशल जो और सरकारों की स्कीम है उसका देखो कि जो प्राइवेट बंदा है उसमें 14 स्टेट्स में 500 रुपीज भी है मिनिमम पेंशन। 500 रुपए में आज के रेट में क्या होगा, एक तेल का डब्बा नहीं आएगा महीने का। और कहीं पे 2000 रुपए, इसमें भी क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बोला जा रहा है कि जो OPS लेके आ जाओ, NPS के जगह पे OPS कर दो, इससे डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा सर समाज में। लेकिन राइटर जिन्होंने आर्टिकल लिखे उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं जो बहुत पॉइंटेड फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। आप ये देखिए कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें ये बोला गया था कि भारत के बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो महीने का 4,468 रुपए कमाती है, और उसके बाद जो मिडिल 40% है ना वो 14,669 रुपीस कमाती है। अब एक बात बताओ, मतलब 90% जनता की तो ये सैलरी है, जो ऑलरेडी टॉप 10% पे हैं, जो क्लास फोर है वो 25,000 कमा रहा है, तो उसका मतलब वो लोग तो सारे 10% में। तो जो टॉप 10% हैं आप उन्हीं के लिए स्कीम ला रहे हो, और वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगे एनपीएस के थ्रू भी, लेकिन ओपीएस पे सारा बर्डन सरकार का आ जाएगा। तब सरकार वो जो पैसा है वो उन लोगों पे खर्च करेगी जो टॉप 10% है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिसके वजह से सरकार बहुत सारी स्कीम जो नॉर्मल जनता के लिए चलाती है वो नहीं चला पाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो मनरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएगी। आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। एक सरकार है, इसके बैंक में 100 रुपए, ठीक है। अब न्यू पेंशन सिस्टम में इसके 100 रुपए में से सिर्फ 20 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम आ जाएगा तो 100 में से 60 रुपए खर्च हो जाएंगे। अब आप समझो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में इस सरकार के पास आम जनता के लिए खर्च करने के लिए बचे हैं सिर्फ 40 रुपए, वहीं न्यू पेंशन सिस्टम में इसके पास बचे हैं 80 रुपए। तो ज्यादा जनता का भला कब कर पाएगी सरकार, जब न्यू पेंशन सिस्टम होगा। तो ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से सारा बवाल चल रहा है। अब क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कर दिया है तो बीजेपी जहां जहां पे है वहां पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखो आप ये सोच रहे हो कि सर फिर सरकारें कर क्यों रही हैं। मैंने आपको देखो कितनी बार बताया है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है ना इनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहता है। अभी जिन जिन स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज, इनको पता है कि अगले 5 साल फिर नहीं आना है, फिर उसके बाद ही आना है, तो ये तो ही करके चले जाएंगे, बर्डन इनके ऊपर थोड़ो है, वो तो जो अगली पार्टी आएगी वो झेलेगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ ना पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही हैं देश में, और ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जा रही है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं तो देख लेते हैं, आई डोंट थिंक इसके अलावा को समझने का इसमें है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला आर्टिकल जो है वो राहुल गांधी जी वाला है। राहुल गांधी जी को डिफेमेशन केस के अंदर सूरत की एक कोर्ट ने 2 ईयर की जेल टर्म दे दी थी, आई थिंक नाउ ही इज गॉट बेल ऑल्सो। बट पूरा मामला क्या है, डिफेमेशन क्या होता है, सबसे पहले इस पे समझते हैं। इन्होंने मोदी जी को कुछ बोला था, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ना हमारे करंट अफेयर में आएगा कि इन्होंने क्या बोला था। डिफेमेशन क्या होता है, इससे कनेक्ट करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डिफेमेशन क्या है, इंजरी टू अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ गाय जो चोर है, उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। मैं बोलूं कि भाई ये गाय चोर है,
कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है मैं बोलूँ ये चोर है तो डिफॉर्मेशन है, तो फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब क्या डिफॉर्मेशन, आप ये सोचो कि सर डिफॉर्मेशन सिर्फ बोल के हो सकती है, लिख के हो सकती है, वैसे तो आप देखो टॉर्ट लॉ में इसको पढ़े होगे, हम उस पर भी आएंगे, आईपीसी सीआरपीसी यहां भी आप पढ़ते हो, लेकिन अभी अपन इसको जनरल सेंस में देख रहे हैं। समवन इन पब्लिक थ्रू वर्ड्स, मतलब बोल के, जेस्चर करके भी हो सकता है, स्पोकन करके भी हो सकता है, रिटन करके भी हो सकता है, या किसी भी तरीके से जिससे कि सामने वाले बंदे की रेपुटेशन हार्म हुई हो और ये बात भी फॉल्स हो। ठीक है, डिफॉर्मेशन का एक ही एक्सक्यूज है कि भाई बात सच होनी चाहिए, अगर बात सच होगी तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बात गलत होगी तो फिर आपका बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, दो रिक्वायरमेंट ना डिफॉर्मेशन की सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी बंदा है जैसे जिसके ऊपर डिफॉर्मेशन के आप चार्ज लगाओ, तो पहले ये देखो कि दो चीजें फुलफिल हैं, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड या ओरली या रिटन। अब मैंने मन में कुछ सोच लिया, मैंने सोचा कि यार ये जो मिस्टर एक्स है ना बहुत बड़े चोर है, मन में सोच लिया, बट मैं ये आप लोगों के सामने बोल दूं तो मैंने फिर बोल दिया ना, लेकिन मन में सोचने पे थोड़ा हो जाएगी, तो पब्लिश होनी चाहिए, चाहे वो ओरली हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। द स्टेटमेंट मस्ट लोअर द एस्टिमेशन ऑफ द पर्सन डैमेजिंग टू द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम चार्जेस हैव बीन मेड, उसकी रेपुटेशन पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोला सामने वाले बंदे के बारे में कुछ भी, उसको कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, कोई बात ही नहीं हो रही है ना, तो वो वाली बात है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि डिफॉर्मेशन टॉर्ट में भी है और आपका क्रिमिनल में भी है, अब सिविल एंड क्रिमिनल लॉ में अंतर क्या है बताओ, इतना तो पढ़ ही लिया है आप लोगों ने। चलो, क्रिमिनल लॉ के अंदर ना आपको पनिशमेंट मिलती है, सजा, जेल टर्म मिलती है, सिविल लॉ के अंदर कंपनसेशन का प्रावधान होता है। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर जाना है, जैसे कि मिस्टर एक्स को मैंने बोला कि चोर है, तो मिस्टर एक्स जो है वो मुझे कंपनसेशन के लिए भी सू कर सकते हैं सिविल लॉ के अंदर, और वो मुझे क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल टर्म के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीसी का जो सेक्शन 449 है वो डिफॉर्मेशन डिफाइन करता है, एंड सेक्शन 500 जो है वो पनिशमेंट की बात करता है, इसी के तहत राहुल गांधी जी को 2 ईयर्स का सजा मिला है, और इसमें जो सेक्शन 500 है इसमें सजा का जो प्रावधान है वो यही है, 2 ईयर्स प्लस फाइन या फिर सिर्फ जेल टर्म। इसके बाद सिविल डिफॉर्मेशन क्या होता है, सिविल डिफॉर्मेशन अ पर्सन हु इज डिफेम्ड कैन बी मूव टू हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, डैमेजेस मांग सकता है, मॉनेटरी कंपनसेशन मांग सकता है, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन मैंने आपको समझा ही दिया है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब करंट अफेयर में डिफॉर्मेशन पे यही क्वेश्चंस बनेंगे, अब अगर आप जब लीगल पढ़ने चलोगे तो वहां पे आप देखोगे कि इसके एक्सेप्शंस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो वहां पे होता है, बट यहां पे नहीं है। चलो मुझे एक और बात बताओ, स्लैंडर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे क्या आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो मुझे बताइएगा। अब यहां पे देखिए कुछ न्यूज है आज की न्यूज़पेपर से, राहुल गांधी वाली तो कर ही ली है, और देखो तमिलनाडु असेंबली री अडॉप्ट्स बिल अगेंस्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है कभी इस पर एडिटोरियल आएगा डिटेल में देखेंगे, न्यूज है न्यूज की तरह पढ़ लो। टर्किश पार्लियामेंट कमीशन अप्रूव फिनलैंड नेटो बिड, आपको पता होगा कि नेटो जो कि 1949 में बनी थी अगेंस्ट द यूएसएसआर, इसे मैंने पढ़ा रखा है, इसे जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, उनके अंदर जो है नई दो कंट्रीज आना चाह रही थी, वो थी फिनलैंड एंड स्वीडन। स्वीडन तो भाई टर्की नहीं आने देगा क्योंकि इस्लामोफोबिया वाला चीज हुई है स्वीडन के अंदर, कुरान को जला दिया गया है, तो बहुत ही मुश्किल है स्वीडन का तो आना, बट फिनलैंड के लिए टर्की जो है सॉफ्ट लग रहा है, लग रहा है चांसेस कि हाँ भाई इनको ये आने को मंजूरी दे देगा। इसके बाद है इजराइल पासेस लॉ प्रोटेक्टिंग नेतायू अमिड प्रोटेस्ट, तो देखो नेतायू जी के ऊपर ना करप्शन के काफी सारे चार्जेस लग रहे हैं, तो उसी के चलते हुए इसराइल की सरकार एक लॉ ले आई है कि भाई कोर्ट कंडिक्ट भी कर देगी तब भी ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे, इस तरीके की चीज है, नहीं पूछेंगे, न्यूज पता होनी चाहिए क्या चल रहा है देश दुनिया में, तो दैट्स इट। आज हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, एक ओपीएस वर्सेज एनपीएस, राहुल गांधी जी का डिफॉर्मेशन का मैटर जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे पहले हमने कैपिटल पनिशमेंट के बारे में देखा था जिसको आपको कनेक्ट करके पढ़ना है जो 2 दिन पहले एक सेशन लिया है उससे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हंसते रहो मुस्कुराते रहो पढ़ाई करते रहो, जय हिंद जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, बाय।